नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जम्मू कश्मीर में सेना संग दिवाली बिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया, फिर उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पीएम ने यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी की, इसके बाद अपना संबोधन शुरू किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने जय बाबा केदार के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। 2013 के विनाश के बाद लोग सोचते थे कि क्या केदारनाथ का पूर्ण विकास किया जा सकता है, लेकिन मेरे भीतर की एक आवाज ने हमेशा मुझसे कहा कि केदारनाथ का फिर से विकास होगा और ये विकास कार्य ईश्वर की कृपा से हुआ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि वो केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर लगातार दिल्ली से नजर बनाए हुए हैं। विकास कार्यों में दिशा दिखाने के लिए पीएम मोदी ने वहां के सभी रावल पुरोहितों का धन्यवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने शंकर का अर्थ भी समझाया। कहा, शंकर का संस्कृत में अर्थ है कि श करोति श शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कहा जाता है कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आता नहीं। अब पानी भी पहाड़ के काम आएगी, जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। उत्तराखंड से पलायन को रोकना है, अगला दशक उत्तराखंड का ही है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने वाला है। इसके अलावा पीएम मोदी ने शंकराचार्य, राम मंदिर, पर्यटन आदि कई मुद्दों को अपने संबोधन में शामिल किया। पीएम ने कहा कि आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, सदियों बाद अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज समय के दायरे में बंद कर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 130 करोड़ रुपए की पूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।